चलिए क्वेश्चन नंबर एक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, 31 के बारे में बात करते हैं। एन एंजाइम दैट वर्क इन द एसिटिक मीडियम, कौन सा एंजाइम है दोस्तों एसिटिक मीडियम में वर्क करता है, उसका पेप्सिन है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पेनक्रियास सीक्रेट हार्मोन व्हिच हेल्प इन, जो पेनक्रियास होता है दोस्तों एंजाइम हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, वो क्या करता है, कौन सा हेल्प करता है दोस्तों कीपिंग शुगर बैलेंस इन द बॉडी। जो इंसुलिन दोस्तों जो हार्मोन्स होता है वही निकालता है दोस्तों, तो क्या करता है वो जो शुगर लेवल होता है बॉडी में उसको क्या करता है मेंटेन किए रहता है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, रेनिन एंड लैक्टेज एंजाइम रिक्वायर्ड टू द डाइजेस्ट मिल्क डिसअपीयर इन द ह्यूमन बॉडी बाय द एज, ये है दोस्तों 2 साल। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ए टेबल शुगर इज क्या होता है दोस्तों, वो होता है सुक्रोज। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, द केमिकल बॉन्ड दैट मस्ट बी प्रेजेंट एजोडाइम कौन सा केमिकल बॉन्ड दोस्तों प्रेजेंट होता है, वो होता है बी वाला दोस्तों, सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन अगर आप बार बार देखेंगे तो आप जब एग्जिट एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ यही क्वेश्चन है, आंसर आप आसानी से टिक कर सकते हैं। एक टाइप का दोस्तों आइडिया मिल जाता है आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे तो द एसिड प्रेजेंट इन द लेमन एंड ऑरेंज दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण वो खट्टा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन क्या कंटेन करता है दोस्तों, वो करता है एलिप्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, विच वन ऑफ दीज ए डिसॉक्सी शुगर, ठीक इसमें दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, डिटॉक्सिस। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अंडर द एरोबिक कंडीशंस पाइरुविक एसिड इज मेटाबोलाइज्ड टू CO एंड H2O थ्रू, किसके थ्रू दोस्तों क्या करता है, जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो इसमें क्या करता है मेटाबॉलिज्म टू CO एंड H2O थ्रू, किसके कारण होता है दोस्तों, तो होता है एम्बेडेड मेयर पाथवे के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, द मेटाबॉलिक फास्ट ऑफ पाइरुवेट इन द एनारोबिक कंडीशन इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ओरल वैक्सीन इसमें से क्या है दोस्तों, शेबीन वैक्सीन है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, बैक्टीरियल विच कैन डिराइव देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन इन्वॉल्व द फॉलोइंग, राइबोफ्लेविन दोस्तों उसका मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, उसका मेटाबॉलिक फंक्शन दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, द मोस्ट कॉमन कैजुअल्टी एजेंट ऑफ द बैक्टीरियल निमोनिया में दोस्तों कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसके कारण निमोनिया दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज द यूज एज, जो क्रिएटिनिन दोस्तों क्लियरेंस और किसके यूज किया जाता है, GFR रेट जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये वाला दोस्तों सही हो जाएगा।